है कि सभी मनुष्य धुंधकारी ऋण मिसल है। ऋण मिसल है और ये इधर भक्ति में भागवत सुनते हैं तो बात गड़ाते हैं उसमें कहते हैं धुंधकारी का है। गाड़ते हैं उसमें नारियल बांधते हैं बोलते हैं इसमें धुंधकारी की जगह है। नारियल ऊपर बांधते हैं कि नीचे बांधते हैं? है ऊपर से नीचे तक सात नारियल बांधते हैं। नारियल बांधते हैं हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले धुंधकारी का अर्थ समझे। धुंध किसे कहा जाता है? धुंध माने क्या है? तेरे आंखों में धुंध पड़ गई। धुंध माने मिट्टी धूल। ये देह अभिमान की धूल की बात है। ये देह अभिमान की धूल आंखों में जब पड़ जाती है तो देह अभिमान से पहला पहला कौन सा विकार पैदा होता है? काम विकार। फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब धुंधकारी हैं। क्या करने वाले हैं? है धुंध माने देह अभिमानी है। देह अभिमानी की धूल पैदा करने वाले हैं। तो जो देह अभिमानी की धूल पैदा करने वाले हैं उन सबको लाठी मिली हुई है। कौन सी लाठी है? 60 तो लगे लाठ। जब 60 साल का हो जाता है तो ज्ञान की लाठ अच्छी लगती है। बच्चा है तो बच्चा बुद्धि है। ज्ञान की गुह्यता समझेगा नहीं। और जवान हो गया तो जवानी का नशा चढ़ जाता है। धुंधकारी बनेगा या ज्ञानी बनेगा? इसलिए ईश्वरीय ज्ञान में कुमारों का टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोटों में कोई और कोई में कोई कुमार निकलते हैं। इसलिए बोला कि 60 साल की जब उम्र हो जाए तो ज्ञान की लाठ वानप्रस्थ अवस्था में अच्छी लगती है। तो शरीर जो है वो वानप्रस्थ अवस्था का लाठी के समान है। ये लाठी जमीन में गाड़ी जाती है। जब जमीन में लाठी या बांस गाढ़ा जाता है तब कहा जाता है वानप्रस्थ अवस्था। धरणी किसे कहा जाता है? हैं? कन्या माता है। और बांस किसे कहा जाता है? अरे बांस कहो खूटा कहो भारत की कन्याओं माताओं को गऊएं कहा जाता है। गऊओं की ये मान्यता है उन्हें एक खूंटे से बांधा जाता है। सारा जीवन उसी खूंटे से बंधी रहती है। तो वो शरीर लाठी है बांस है और वो बांस
बस 7 साल का हो जाए तो वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था में उस बांस में नारियल बांधे गए हैं। क्या बांधे गए? नारियल। रियल नहीं, नारियल। माना उस त्रिनेत्री नारियल का जो स्वभाव संस्कार है वो दिखावे वाला है, रियल नहीं है। बाप विदेशी बन करके आते हैं। विदेशी क्या करते हैं? दिखावा बहुत करते हैं। यह रियल भारतीय होते हैं है? दिखावा बहुत करते हैं। तो ये भी पार्ट ऐसा है। नारियलों का कि भगवान के ऊपर शिव के मंदिर में चले जाओ, देवियों के मंदिर में चले जाओ, क्या तोड़ेंगे? नारियल। नारियल तोड़ेंगे। नारियल टूटता है तो पहले पहले खोपड़ा फूटता है। ये अंदर की रियल चीज पहले फूटती है, पहले खोपड़ा फूटता है। ये मानवीय बुद्धि है, ये मानवीय बुद्धि मनुष्य का खोपड़ा है। ये खोपड़ा तोड़ करके जब ईश्वर के ऊपर अर्पण होता है तो असली शुद्ध चीज बाहर आ जाती है। जब बाहर आएगी तो कल्याण होगा। वो महाप्रसाद माना जाता है। प्रसाद माने प्रसन्न करने वाला, सबको प्रसन्नता होती है नारियल का प्रसाद खाके। मुंह में जायका आ जाता है, मुख मीठा हो जाता है। और वो नारियल मिलता कहाँ है? पहाड़ों पे मिलता है या सागर के किनारे मिलता है? सागर माने बेहद का या हद का है? ये बेहद का ज्ञान सागर है। शिव बाबा, शिव बाप जिसके किनारे नारियल होता है और ऊंची स्टेज वाला होता है या नीची स्टेज वाला होता है? ऊंची स्टेज वाला होता है। ऐसे नारियल 12 शिवलिंग हैं जो त्रिलिंग गाए हुए हैं। जहां नारियल चढ़ाए जाते हैं वो नारियल में ही ज्ञान की जटाएं होती हैं। 3 आंखें होती हैं, दाई आंख भी है गुण देखने वाली, बाई आंख भी है अवगुण देखने वाली। इसमें किसमें क्या क्या कमजोरी है, क्या क्या फ्ला है, कमजोरी को फ्ला को देखते जाओ
अब मणके को अलग करते जाओ। माला बनाई जाती है तो 12 ढेरियां अलग करते हैं ना, दाई ओर की ढेरियां अलग करते हैं और बाई ओर की ढेरियां अलग करते हैं। कौन से मणके पहले माला में पिरोए जाने चाहिए, कौन से मणके बाद में पिरोए जाने चाहिए, ये सब तय किया जाता है पहले। तो फड़ा देखा जाता है, कमजोरी देखी जाती है, कमजोर जो है वो ऊपर स्थान ना पाना चाहिए। जो पावरफुल है वो ही ऊपर होना चाहिए। सच्चाई ही पावरफुल होती है, झूठा फ्लॉलेस नहीं कहा जा सकता। दाई ओर का मणका जरूर पवित्र कर्म करने वाला है, दाएं हाथ से पवित्र कर्म किए जाते हैं, बाएं हाथ से अपवित्र कर्म किए जाते हैं। तो बाएं मणके जरूर विदेशी हैं और दाई ओर के मणके जरूर भारतीय धर्म के मणके हैं। उनको अलग अलग करना होता है। तो 108 मणके बनते हैं, 12 12 के ग्रुप के 12 ग्रुप, 9 ग्रुप तैयार होते हैं। जो फिर 9 आस्तिक धर्मों में संसार में बिखेरे जाते हैं टाइम टू टाइम और सारे संसार को कंट्रोल करते हैं। खास भारत की बात है। तो कोई नारियल है तो बांस में नीचे बांधे जाते हैं, कोई नारियल ऊपर बांधे जाते हैं। ऊपर वालों को ऊंची दृष्टि से देखेंगे, नीचे वालों को नीची दृष्टि से देखेंगे। और जोर से बोल। बाबा जी प्रतिदिन मधुबन के बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये किस समय की बात है? अभी तो बाबा स्कूल में है। अंत की है या ऊंचा है कि मुरली में बोला है दिन प्रतिदिन बाप दादा मधुबन से बाहर नहीं जावेंगे। तो मधुबन के अंदर ही आकर के बाप दादा मिलते हैं या बाहर भी मिलते हैं मोस्टली है? कहाँ मिलते हैं? अंदर ही मिलते हैं। और दिन प्रतिदिन ही ऐसा देखते जावेंगे कि कहीं भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? मधुबन में मिलेंगे। दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। गीता पाठशालाओं में जावेंगे लेकिन मिलेंगे मधुबन में। और आगे चल के
मधुबन का दायरा बढ़ेगा या घटेगा? है बढ़ेगा, लेकिन आत्माओं की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। मधुबन में अभी रोज क्लास करने वालों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? है घट रही है। तो बाप दादा आएंगे चुपचाप चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। ऐसे थोड़े ही कहा कि मधुबन में बाप दादा संडे संडे ही आवेंगे। या तो जब आवेंगे तो अनाउंसमेंट करके आवेंगे, आवेंगे मधुबन में, लेकिन कोई को मिलेंगे कोई को नहीं मिलेंगे। जो रेगुलर होंगे पंक्चुअल होंगे उनका नंबर पहले लग जाएगा। अरे बाप दादा तो कोई युक्ति निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? है या बाप दादा ये चाहते हैं सभी जुम्मा जुम्मा क्लास करने वाले जुम्मा जुम्मा जामा मस्जिद में जाने वाले मुसलमान बन जाए, या संडे संडे गिरजाघर में जाने वाले क्रिश्चियन बने रहे? बाप दादा सब बच्चों को देवी देवता सनातन धर्म का पक्का देखना चाहते हैं या मुसलमान और क्रिश्चियन बना हुआ देखना चाहते हैं? बाबा तो कोई न कोई युक्ति निकाल ही लेंगे और युक्तियों से भी नहीं मानेंगे तो अंत में कौनसा रूप सामने आता है? सदगुरु का रूप सामने आता है, वो किसी की नहीं सुनता। और बाबा मुझे बोले हैं कि बाप है बीज रूप से बच्चे पैदा होता है लेकिन बीच बीच जड़ रूपी माँ आ जाती है, तो वो माँ जड़ रूपी माँ बाबा संरचना का भी आधार बनती है तो फिर बच्चे का भी आधार बनती है, तो बाबा संरचना कौन है? पावरफुल बच्चा वो जिसके लिए पढ़ाई चल रही है। वो एक ही बच्चा है जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है। जो प्रलय काल के बाद पीपल के पत्ते पर बड़े आनंद से मौज मनाते हुए लेटा दिखाया जाता है गर्भ महल में। कहाँ की बातें हैं? शंकर की बातें। बाबा बोले कि पावर संरचना का भी आधार बनती है फिर बच्चे का भी आधार है। बाबा बोले कि पावर संरचना का भी आधार बनती है जल तो जो लक्ष्मी है वो पहले पत्ते का आधार नहीं है, पावरफुल नहीं है, प्योरिटी की पावर नहीं है। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। और जोर से बोल, जैसे जोर से चिल्लाती है ऐसे बोल। घर के चिरागों ने घर को ही आग लगा दी है। मैं अब क्या हूँ? घर है ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण परिवार के जो भी भांति हैं वो एक परिवार है, घर है। इस ब्राह्मण परिवार में नौकुरियों के ब्राह्मण हैं,
कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं? नौ कुरियों के ब्राह्मण हैं। और जो नौ कुरी के ब्राह्मण हैं, वो जन्म जन्मांतर नौ धर्मों से कनेक्टेड होकर के रहते हैं। कोई इस्लाम धर्म में कनेक्टेड होकर के रहे हैं, कोई मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होकर रहे हैं, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होकर के रहे हैं, और जो जो जिस जिस धर्म में कन्वर्ट होकर के रहे हैं, वो कन्वर्ट होने के बाद भारत की और भारतवासियों की ग्लानी करते रहे हैं या महिमा करते रहे हैं? महिमा करने का तो सवाल ही नहीं। अगर महिमावान समझते तो छोड़ करके ही क्यों जाते? तो वो भारत को और भारतवासियों को धोखा देने के संस्कार है। वो ही धोखा देने वाले संस्कार वाले ब्राह्मण अभी बाप ने इकट्ठे किए हैं एक बनाने के लिए। तो हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? हथेली पर एक सेकंड में आम तैयार हो जाएगा क्या? नहीं, टाइम लग जाता है सुधरने में। और किस कैटेगरी का मन का है, किस धर्म में उसको पार्ट बजाना है, किस देश विदेश में विशेष में उसको पार्ट बजाना है, ये ब्राह्मणों की दुनिया के सामने प्रत्यक्ष भी होना है। तो जो आग लगाने वाले होंगे, धोखा देने वाले होंगे, वो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रत्यक्ष होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? है, प्रत्यक्ष हो जाते। इसलिए दुनिया में ये गायन चला है कि घर के चिराग ने ही घर को आग लगा दी। घर के चिराग ही हैं, बाप दादा के घर के बच्चे हैं जो बाप दादा के घर को आग लगाते हैं। उनमें भी खास वो है जो बाप के बने बनाए घर को बिगाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। और भक्ति मार्ग में यादगार में उनके मंदिर का, उनके पूजा स्थान का नाम पड़ता है गिरजाघर। और जब संपन्न आत्मा बने तब। लेकिन यहाँ अगर कोई मर गया तो बोलते हैं आत्मा निकल गई, फिर वो वापस तो हरकत में आता नहीं। ये संपन्न बन गई है आत्मा। यहाँ इस दुनिया में जो मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, वो संपन्न बन गए। तो फिर यहाँ तो संपन्न हुई आत्मा की बात है। जिनके ऊपर पाप कर्मों का बोझ है उनकी बात नहीं है। और कृष्ण कहो, लॉर्ड कहो, ये लैंड लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड बड़े आदमी का टाइटल होता है, जो बहुत जमीन का मालिक होता है, भूस्वामी कहा जाता है। बड़े बड़े जमींदारों को लैंड लॉर्ड कहा जाता था। लैंड माने जमीन।
तो दुनिया में जितने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुए हैं, भूस्वामी हुए हैं, पृथ्वी के ऊपर मालकाना जमाने वाले हुए हैं, उनमें बड़े से बड़ा मालिक तो कौन गाया हुआ है? क्रिश्चियंस में कृष्ण गाया हुआ है। जो क्रिश्चियंस हैं वो कृष्ण को टाइटल देते हैं लैंडलॉर्ड कृष्ण। जरूर जो क्रिश्चियंस की बीज रूप आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माओं की दुनिया में जो ब्राह्मण है, जो क्रिश्चियन धर्म का बीज आरोपण करने वाले हैं, वो कृष्ण वाली आत्मा को सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड मानते हैं। लैंड कहा जाता है धरणी को, धरणी माने कन्याएं माताएं, वो कन्याएं माताएं, वो शक्तियां शिव के डायरेक्शन पर चलने वाली हैं। कृष्ण की बात नहीं है, लेकिन ये तो संगम युगी कृष्ण है। जिस संगम युगी कृष्ण के डायरेक्शन पर चलने वाली है, शिव तो निराकार है, वो आंखों से देखने में नहीं आता, वो जिसमें प्रवेश है उसमें कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश करके कार्य करती है, इसलिए लैंडलॉर्ड। और शास्त्रों में और दुनिया में जिस कृष्ण की जानकारी है वो संगम युग का कृष्ण है या सतयुग का कृष्ण है? जो संगम युग का कृष्ण है उसको लैंडलॉर्ड कहा जाता है। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा उसका शास्त्र में कोई गाइड नहीं है, ये तो बाबा ने बताया है कि कृष्ण की आत्मा सतयुग में जाकर बच्चे के रूप में कृष्ण का जन्म लेगी। वो कृष्ण तो देह अभिमानी है, जो सतयुग में जन्म लेगा, क्योंकि कलाएं नीचे गिरती जावेंगी या कलाएं चढ़ती जावेंगी? गिरती कला का कृष्ण है, तो गिरती कला वाले को याद करना है या चढ़ती कला वाले को याद करना है? चढ़ती कला वाले को याद करना है। माताएं कौन से कृष्ण के लिए इंतजार कर रही हैं? है झूठ ना बोलो। त्रेसठ जन्म जो आदत पड़ी हुई है देह अभियान की, दैहिक रूप में बच्चे को प्यार करने की आदत पड़ी हुई है, माताएं भी इंतजार कर रही हैं कि सतयुग आवे और कृष्ण बच्चे को हम गोद में रख करके खिलावे। इससे देवान साबित हो जाता है। ये भी भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। भक्ति मार्ग का कोई भी संस्कार रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। Thank you.
500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस विश्व के बादशाह को मानेंगी, झुकेंगी, अपना बाप स्वीकार करेंगी, विश्व पिता स्वीकार करेंगी। कितना समय 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को कल्याणकारी संगम युग में कल्याण होने का टाइम ज्यादा से ज्यादा कितना बताया? अरे संगम युग की आयु कितनी बताई? 100 साल। 100 साल पूरे होते होते विश्व की एक एक आत्मा उस विश्व पिता को झुक जाएगी। वो तो जानकारी लास्ट में मिलेगी ना? लास्ट में हो जाओ ना आप। है? हम तो जान गए। जान कहाँ गए? घड़ी घड़ी जान गए, घड़ी घड़ी अज्ञान। तो क्या हुआ? एक सेकंड में मृत्यु के समय अगर एक सेकंड में विश्व का बादशाह याद आ जाए तो अंत पते पते हो जाएगी। बोलो बोलो। बाबा जब परमनाथ के यहाँ आते हैं तो वापस प्रतिदिन चले जाते हैं कि है? आ रहे हैं। बाबा परमधाम से आते हैं तो आवागमन होता है कि कितने समय के लिए आते हैं और जाते हैं? बाबा आते हैं 100 साल के संगम युग के लिए, बस उसमें भी बाबा का काम है ज्ञान सुनाना। ज्ञान सुनते सुनते जो 8 आत्माएं नई दुनिया की पहली इकाई का परिवार तैयार करती है, उनके तैयार होने के बाद शिव बाप का काम पूरा। बाप समान कोई बच्चा तैयार हो जाता है, जब बच्चा तैयार हो जाता है दुकान संभालने वाला तो बाप घर में बैठता है या दुकान पर भी जटा रहता है? घर में बैठता है। तो दो बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि के बाप में वो निराकार बाप आकर के उसे आप समान बनाते हैं, इसलिए मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा है। वो कौन सा बाबा है? साकार निराकार, जो साकार में एक बार निराकारी स्टेज प्राप्त कर लेता है, बाप समान स्टेज। और ज्ञान सुनाते हैं साक्षात्कार कराता हो? साक्षात्कार की जरूरत भक्तों को है या ज्ञानियों को है? भक्तों को वर्षा नहीं मिलता भगवान का और बच्चों को वर्षा मिलता, सुख शांति का अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है। भगवान बाप इसके लिए आते हैं, पहले तो अपने बच्चों का कल्याण करना है, घर का सुधार, फिर पर का सुधार। बाबा लिख रहा किसके द्वारा साक्षात्कार हुआ हैदराबाद द्वारा?
आपके द्वारा ये कैसे हुआ? अरे तुलसीदास को, रैदास को, मीरा को किसके द्वारा साक्षात्कार हुआ? अरे डायरेक्ट भगवान ही साक्षात्कार कराते, हनुमान के पुजारियों को हनुमान के रूप में साक्षात्कार कराते, जो गणेश के पुजारी हैं उनको गणेश के रूप में साक्षात्कार कराते, कोई दूसरा मीडिया थोड़े ही है साक्षात्कार कराने के लिए। बाबा ने तो बोला साक्षात्कार की चाबी मेरे पास रहती है, वो चाबी मैं किसी को देता नहीं, तो द्वारा कहां से आ जाएगा? उसके पहले से वो थे नहीं यहाँ पर है, तो आप उससे पहले आए नहीं, तो कलकत्ते में हुई है। हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ किसके द्वारा हो, कैसे उसको यहाँ पे, यहाँ माने कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद में कहाँ साक्षात्कार? साक्षात्कार की बात है, शिव की प्रत्यक्षता की बात है। उसके पहले तो शिव प्रवेश हुए नहीं। हाँ जी बिल्कुल, तो फिर दादा साक्षात्कार। अरे साक्षात्कार अलग बात है, स्वप्न अलग बात है, और प्रवेश होना अलग बात है। प्रवेश होने को साक्षात्कार नहीं कहा जाता और साक्षात्कार को प्रवेश होना नहीं कहा जाता। तुलसीदास को साक्षात्कार हुआ, क्या प्रवेश हो गया? रैदास को, मीरा को साक्षात्कार हुआ, सूरदास को साक्षात्कार हुआ, क्या प्रवेश हो गया? बोलो। हाँ तो बुद्धि में बैठो, हैदराबाद में प्रवेश नहीं हुआ, सिंध हैदराबाद में सिर्फ साक्षात्कार हुआ। के पहले ही जब आप उनको साक्षात्कार कराए, कहाँ रह कर के कराए हो? और बाबा वो प्रश्न पूछते पूछते कान खुजला के अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। और बाबा जो शिव का मंदिर है, मंदिर में जाओ हाँ, तो वो लिंग रखा रहता है, और जलाधरी का मुख यहाँ उत्तर दिशा में रहता है, इसका बेहद जलाधरी का मुख उत्तर में रहता है, उत्तर में रहता है हाँ, तो बेहद का उसका बेहद का अर्थ यही है कि उत्तर में जरूर कोई देवता विशेष माना जाता है। वो कौन सा देवता है जो उत्तर दिशा में माना जाता है? आठ दिशाएं हैं, आठ दिग्पाल हैं, आठ दिशाओं की पालना करने वाले हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चार इनकी कौन है, कौन है, तो आठ दिशाएं मानी जाती है। आठ दिशाओं में अष्टदेव दिखाए गए हैं, देवों में से कौन से देवताएं हैं जो खास उत्तर दिशा में अथवा पूर्वोत्तर दिशा में दिखाई जाते हैं? कुबेर और कुबेर। कुबेर किस बात का देवता है? धन। कौन सा धन है? ज्ञान धन का देवता है। ऐसे ज्ञान धन का देवता है जो कि भगवान का पार्ट बजाने वाले को भी
ब्राह्मणों की दुनिया में पार्ट बजाते समय भर भर के तिरुपति में जो भी चढ़ावा चढ़ता है वो कुबेर को दान में नहीं देता, काय में देता है, है? कर्ज में देता है। किस बात का कर्ज है? प्योरिटी का कर्ज है। वो उत्तर दिशा का देवता कुबेर, जिसे काशी नगरी के नाम से विख्यात किया जाता है, वो रुद्रमाला में भगवान के बाद सबसे जास्ती पवित्र स्टेज में रहता है। इसलिए उत्तर दिशा की विशेष मान्यता है। और वाल्मीकि ब्राह्मण थे या भंगी थे? ब्राह्मण थे हैं? बोलो भाई, मूल रूप में क्या थे? हैं? वाल्मीकि पहले कौन से रूप में थे? डकैत थे या साहूकार थे? डकैत थे। चोरी चकारी करना, डकैती करना, इस धंधे में ब्राह्मणों का पार्ट ज्यादा होता है दुनिया में या नीच जाति का पार्ट ज्यादा होता है? तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि डकैत थे और जाति से भंगी थे। इसलिए आज भी जो मेहतर जाति के लोग होते हैं वो अपना क्या टाइटल रखवाते हैं? वाल्मीकि। अब वाल्मीकि का आश्रम दिखाया गया है, शास्त्रों में, और उस आश्रम में भगवान के दो बच्चे पाले गए। अब भगवान के बच्चे आत्मा होते हैं या देहधारी होते हैं? आत्मा। तो भगवान के बच्चे दो ही हैं मूल रूप में, एक लव प्यार भरा पार्ट बजाने वाला और दूसरा है कुछ कांटा। अब बताओ मूल रूप में दो बच्चे कौन से हैं जो साक्षात भगवान के बच्चे हैं? है? राम और कृष्ण। तुम सब सीताएं हो, सीताओं में कोई अव्वल नंबर की सीता है। उस सीता के बच्चे हैं। राम तो भगवान के रूप में रामायण में गाया हुआ है, गलती से देहधारी राम को मान लिया है। ये तो हुई मूल रूप की स्टेज। इसलिए मुरली में बोला है कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती है।
माने रामकृष्ण की आत्माएं ऐसी आत्माएं हैं जो कंबाइंड पार्ट बजाती है, और उस कंबाइंड पार्ट में सारी दुनिया के 500-700 पार्टधारी पार्ट के रूप में लुधे हुए हैं। जैसे बीज में 500-700 करोड़ पत्ते समाये हुए हैं, तो मूल रूप में तो वो गणेश हनुमान भी है, वो लव कुश भी है, लेकिन साकार रूप में अगर देखा जाए तो शिव भगवान जिस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो राम वाली आत्मा है, मनुष्य शक्ति का बीज है, पहला धर्म पिता है, सब धर्म पिताओं का बापों का बाप है, उसके बाद दुनिया में द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, उन द्वैतवादी धर्म पिताओं में पहले नंबर का पिता कौन है? हैं? अब्राहिम। वो इब्राहिम लव का पार्ट बजाता है, ये देहधारियों के लव का पार्ट है, ये आत्मिक रूप में पार्ट है, देहधारियों के रूप में कोई प्यार का पार्ट बजाने वाला मुख्य है तो वो इब्राहिम की बीज रूप आत्मा है, वो ही लव है। और संसार का विनाश करने वाला कौन सा धर्म है? है? संसार का विनाश करने वाला क्रिश्चियन धर्म है, जो क्रिश्चियन धर्म का बीज है वो ही कुश है, सारे संसार को कांटा छुबो देता है, दुखदाई कांटे होते हैं, इसलिए क्रिश्चियन धर्म कुश है और इस्लाम धर्म लव है। ये दोनों ही बच्चे कहाँ पल रहे हैं? वाल्मीकि माने भंगी की कुटिया में। शंकर का एक रूप किरात रूप भी दिखाया है, चांडाल का रूप, चांडाल भंगी को कहा जाता है। बाबा भी मुरली में कहते हैं इस दुनिया में सब शूद्र हैं, सब भंगी हैं। उस भंगी के आश्रम में वो दोनों बच्चे पलते हैं, लव और कुश। ये ब्राह्मणों की दुनिया में नौकुरी के बच्चे पल रहे हैं, उनमें लव कुश की भी गिनती है, जो भगवान राम से भी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि भगवान राम को पहचान नहीं पाते इसलिए लड़ते हैं। और माताओं को आकर वेला हो रही है घर जाने की, इसलिए ओम शांति।